कांग्रेस को माफी नहीं मिलेगी, ये कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, जिन्होंने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। खासतौर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर जो उन्होंने पिछले दिनों किए। नरोत्तम मिश्रा ने यहां तक कहा कि कांग्रेस को बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा का आरोप है कि कोरोना काल में अब कांग्रेस सिर्फ आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं कर रही और यही वजह है कि कांग्रेस को माफी नहीं मिलेगी। आप भी सुनिए किस तरह तीखा हमला बोला नरोत्तम मिश्रा ने। जब राहुल गांधी जी ट्वीट कर सकते हैं, सोनिया गांधी की मान नहीं कर सकती, तो वो भी यही करेंगे, बाकी कुछ कर ही नहीं सकती। उनका योगदान सिर्फ इतना है, लेटर पे, पेपर पे, ट्विटर पे, इतना ही योगदान कांग्रेस का इस आपदा में है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। मित्रों आप देखना, एक जना कहीं अस्पताल में नहीं दिख रहा, एक जना से एक जना कहीं मैदान में नहीं दिख रहा, एक जना कहीं कोई कोविड सेंटर में दिख नहीं रहा, खोल नहीं रहा, जैसे हमारे आरएसएस ने पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपने अपने सेंटर चालू कर दिए। क्या कहीं इनका वो सेवा दल का स्वरूप देने के लिए, या नाम कहीं सेवा है, या मेवा के लिए सेवा नाम रख रखा है? अगर इस आपत्ति और इस विपत्ति, इस संक्रमण की, इस वैश्विक आपदा पे भी कांग्रेस सामने नहीं आ रही, तो कभी इतिहास उन्हें माफ। नरोत्तम मिश्रा का यह पलटवार कमलनाथ के उन ट्वीट पर किया है जो कमलनाथ ने कमला राजा अस्पताल में हुए 5 लोगों के निधन पर किया था। ग्वालियर से विधायक प्रवीण पाठक ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 मरीजों की जान चली गई। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मरीज के परिजनों ने किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जान चली गई। उसके बावजूद कांग्रेस ही दम भर रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना पीड़ितों का निदान हो रहा है। प्रवीण पाठक के इस आरोप के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया और कई गंभीर आरोप लगाए। उनके इन्हीं आरोपों पर जवाब देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि लोगों की मदद के लिए बाहर नहीं निकल रहा है, अस्पताल नहीं जा रहा है, जबकि आरएसएस आगे आकर लोगों की मदद कर रही है, पर कांग्रेस का सेवा दल कहाँ है? अब देखना यह है कि नरोत्तम मिश्रा के इन आरोपों पर कांग्रेस क्या जवाब देती है।